लेकिन क्या आईसीआई ने ऐसा कोई टारगेट बना रखा है कि ये वाले स्टूडेंट फेल करने या ये वाले पास करने नहीं सर आईसीआई के पास तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है फेल होने वाले स्टूडेंट भी हमें हम से होंगे और पास होने वाले स्टूडेंट भी हमें हम से होंगे अब अगर मैं आपसे पूछू आप एट्टी फाइव परसेंट की कैटेगरी में फिफ्टीन परसेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो तो हर स्टूडेंट ने हैंड रेज किया होगा सर हम ना फिफ्टीन परसेंट की कैटेगरी में आना चाहते हैं लेकिन दोस्त हम अब अपने आप अप से यह सवाल पूछेंगे कि क्या हम डिजर्व करते हैं आपको दोस्त मेरी बातें बुरी लग सकती हैं लेकिन मैं आपको ना आपको बिल्कुल सच्चाई बताने वाला मैं आज आपकी आई ओपन करने आया हूं कि भाई अननेसेसरी अनुमेनरी लाइफ में मत जियो फैक्ट देखो इसमें कोई दोराई नहीं है कि फिफ्टीन परसेंट अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट ही पास होंगे लेकिन क्या हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं मैं आपको बता दूं आप उस कैटेगरी में बिल्कुल आ सकते हैं बस आपको क्या करना सर मेहनत करनी है अब एक सेल्फ एनालिसिस आप करें और अपने आप से बात करके पूछें कि जितने जोश के साथ हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था क्या अभी भी हम उतनी मेहनत कर रहे हैं क्या सेम कॉन्फिडेंस का लेवल मेंटेन है जितने रिवीजन चाहिए क्या हम उतने रिवीजन कर रहे हैं क्या हमने क्लासे तसली से कंप्लीट की हैं अगर क्लासे तस्ली से कंप्लीट कर ली है तो क्या हम प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं अगर हम रिविजन करें तो क्या हमने मॉक टेस्ट दिए हैं क्या हमें मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए दोस्त देखिए जो फेलियर है ना वो दरवाजे पर खड़ी होती है अपने आप अंदर आ जाती है वो

मैं आपको बताऊं अभी क्या हुआ कुछ दिन पहले ना मैंने एक फेस टू फेस की क्लास ली एक स्टूडेंट ना मतलब फेस टू फेस का एक मैराथन थी क्लास जब कंप्लीट होगी ना एक स्टूडेंट डाउट के लिए खड़ा हो गया तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैं किसी और से बात कर रहा हूँ आप दस मिनट बैठ जाओ प्लीज़ ना और दस मिनट आपको जो मैंने आज क्वेश्चन कराया ना उन क्वेश्चनों का रिविजन कर लो उसने कहा ठीक है सर अब उसने क्या किया नोट्स ओपन कर ली और साथ में मोबाइल रख लिया मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा हूँ वो कॉन्टिन्यू मोबाइल को देख रहा है अब आप बताओ दोस्त वो जो टेन मिनट थे वो स्टूडेंट उसको यूटिलाइज भी कर सकता था उसके ऊपर था वो सारा का सारा और उसने उस टाइम को वेस्ट भी कर दिया तो ऐसे हम क्या करते हैं डे में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और फिर बाद में कहते हैं यार मेरे को तो आई ने फेल कर दिया इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ स्टूडेंट बिल्कुल आईसीआई की साइड से सर फेल हो जाते हैं जैसे मान लो कि टेन मार्क्स मिलने थे किसी क्वेश्चन में एट मार्क्स मिल गए सेवन मार्क्स मिल गए ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट के साथ ना लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता दोस्त बड़े सारे स्टूडेंट अपनी कॉपी भेजते हैं सर देखना मेरे मार्क्स कट गए मैं उनको कहता हूँ दोस्तों सजेस्ट कर से से टैली करके देख लो आपका तो पूरा आंसर ही गलत है तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगी हु लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताने आया हूं कि 15 परसेंट की कैटेगरी में आने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे एफर्ट्स करने पड़ेंगे हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा हमें मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे हमें कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करना पड़ेगा और एक एक सिंगल सेकंड को यूटिलाइज करना पड़ेगा चलिए जी मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच ऑल दी बेस्ट और हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है कि अब आप क्या करेंगे अब आप ना फिफ्टीन परसेंट की कैटेगरी में आने के लिए एफर्ट्स करेंगे और कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके जाएं कि हां सर हम ना फिफ्टीन परसेंट की कैटेगरी में आएंगे ऑल द बेस्ट